यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया हो गए एंड बढ़िया रहना। तो आज हम लोग जा रहे हैं शाहजहांपुर का फेमस हनुमत धाम। तो यहाँ पे हैरी भाई और देव भाई हैं भाई, और रोहित भाई यार अपने काम में थोड़ा सा बिजी हैं इस टाइम, कुछ प्रॉब्लम है उनके शॉप पे, इस चक्कर में वो नहीं आ पा रहे हैं। तो हम लोग उसको संभालते हैं यहाँ पे और चलते हैं सीधे हनुमत धाम। भाई हनुमत धाम चले, हनुमत धाम चलते हैं। तो चलते हैं सीधे हनुमत धाम। भाई यहाँ पे भी हम लोग ने कर दी है पार्किंग, और ये है हनुमत धाम की यहाँ पे पूरी मार्केट, जहाँ पे आपको आइसक्रीम स्टॉल बताते स्टॉल और बाकी यहाँ पे बैंक वगैरह आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे बैठे हैं बाहर पुलिस वाले, और यहाँ पे है पूरा, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया हुआ है कि ताकि यहाँ पे कुछ गलत ना हो। बाकी ये पूरा गेट है और इस पे हनुमत धाम वगैरह सब कुछ, और बाकी बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हो। और चलते हैं सीधे अंदर। तो यहाँ पे हम लोग आज के अंदर हनुमत धाम को, और यहाँ पे हैरी भाई और भाई वो लोग आते चलिए। भाई यहाँ पे क्या है, भाई के पास ओम है, राधे है और त्रिशूल है और वगैरह चीजें आपको दिखाई। भाई जो कि अभी चंदन लगवाने जा रहा है, एंड भैया जी हमारे जो कि अभी कृष्णा भाई के चंदन लगाएंगे। कृष्णा भाई कैसा लग रहा है? भाई बढ़िया लग रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अभी, एंड बहुत सही लग रहा है। ये देखिए कृष्णा भाई, और देख रहा हूँ कैसा लगा। और ये देव भाई हमारे जा रहे हैं अभी, देव भाई लगवाएंगे। भाई लगवा लो। वाओ, इट्स वेरी नाइस। भाई मैं भी जा रहा हूँ, और यहाँ पे रोहित भाई की बहुत याद आ रही है। भाई रोहित भाई आ जाओ भाई। ओ भाई सब बात बहुत ही क्लियर है, और थैंक यू भैया आपने हम लोग को ये लगाया। तो भाई आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। तो अब गाइस यहाँ पे चलते हैं, एक छोटा सा मंदिर ही है। बाकी ये हनुमत धाम, हनुमान जी की पूरी मूर्ति है, और आपको दिखाते हैं यहाँ के पूरा व्यू। और यहाँ पर कुछ बच्चों के लिए खिलौने, जाके बच्चों को भाई साहब बड़ी सॉरी, और यहाँ पर बच्चों के लिए खिलौने जो कि गाइस आप अगर बच्चों को लेके आते हो ना तो पक्का लुटने वाले हो, पक्का लुटने वाले हो। और यहाँ पे शिव जी की आप मूर्ति देखते हो, काफ़ी अच्छी सी मूर्ति बना रखी हुई है। यहाँ पे एक मैं पिक भी लेता हूँ इसकी, और भाई यहाँ पे ये चीज कर रहे हैं, मेरे को ये अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है ये मुझे। भाई इसका क्या काम है बताओ, ये मेरे को बताओ इसका क्या काम है। भाई समझ रहे हो ना आप इसका क्या काम है? भाई पता है ना आप लोग को क्या काम है इसका? भाई क्या है भाई, बता दो। हो रहे हो भाई, पता चलेगा वीडियो एंड तक देखना, कुछ ना कुछ तो रास पता चलेगा। देखते हैं भाई, यहाँ पे आपको दिखाते कुछ स्पेशल चीज जो आप लोग हमारी भाभियों के लिए खरीद सकते हो, काफी सारी रिंग्स दिखाते हैं। भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, और सबसे अच्छी बात ये बहुत ही अलग ही शांति सी फील होती है इस प्लेस पे मुझे आके। एंड यहाँ की जो आप देख रहे हैं शॉप, यहाँ पे आपको जो है बच्चों के लिए कॉस्मेटिक की चीज़ें, काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, एंड काफ़ी अच्छा प्लेस है ये एक। और आपको इधर भी दिखाते हैं, इधर पूरा लेडीज आइटम मेरे ख्याल से है, एंड यहाँ पे है काफ़ी सारी रिंग्स एंड सिंदूर बिंदी एंड वगैरह। पापा की परियों के लिए, पापा की परियों के लिए बाबा भाई। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा व्यू। और चले भाई आगे, भाई ये बच्चों के खिला, भाई आप लोग अगर आना तो यहाँ पे ये जरूर खरीदना। हाँ भाई कूलर वगैरह है क्या? भाई गर्मी लग रही है, भाई कूलर खरीदो। भाई चलते हैं आगे। Two.
सो अब चलते हैं सीधे हनुमान जी के पास। परदेव भाई आ जाओ, आओ चलते हैं। चलते चलते रास्ते कट जाते हैं, भाई यहाँ पे देख सकते हो हनुमान जी की पूरी मूर्ति। और चलते हैं सीधे, आपको और दिखाते हैं। काफी ऊंचा पुल पे हम लोग, और पुल पे आप नीचे देख सकते हो पानी है। और भाई यहाँ पे कुछ बढ़िया सीन। सो हम लोग आ चुके हैं हनुमान जी के पास और चढ़ते हैं ऊपर। और भाई काफी आज ही भीड़ रखी है। नहीं भाई कृष्ण भाई, आज तो भीड़ काफी कम है, यहाँ पे मंगलवार को काफी भीड़। हाँ वो तो पता है मेरे को। पहले भाई छू लेते हैं यहाँ पैर, पैर छूने के बाद चलते हैं ऊपर। भाई आगे सीढ़ियाँ काफी छोटी हैं तो सही रखता है, वरना भाई पैर थक जाएंगे। आगे चढ़ के पूर्णगिरी, यहाँ पे आंटी जी बोले हैं पिक लेने के लिए, तो आंटी जी यहाँ पिक लेंगे। तो अभी हम लोग किसी रैंडमली बंदे को उठाते हैं और फिर उससे पूछते हैं कैसा लगता है आपको यहाँ पे आने के बाद में। यहाँ पे देखते हैं, ये अंकल आंटी मेरे ख्याल से पास में बैठे हुए पीछे, अभी उनसे पूछेंगे कैसा लग रहा है आपको। और यहाँ पे पहले उनकी फोटो खींच लेंगे, वरना डिस्टर्ब हो जाएगा, क्या पता ये पे हरी भाई के लग भी जाए। गाइस यहाँ पे अंकल हम लोग को मिल चुके हैं। अंकल आपको यहाँ पे आके कैसा लगता है? यहाँ आके तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हम लोग लखनऊ से आए और मैं पहले भी एक बार आ चुका, मेरी वाइफ आई थी उसको भी दर्शन कराने लाए थे। और इतनी बड़ी प्रतिमा हनुमान जी की मैंने पहली बार देखी है और इनके में बहुत शक्ति है, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को यहाँ पे। आंटी आपको भी मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे गाइस सबको अच्छा लगता है और अंकल जी काफी अच्छे हैं, तो उनसे मिलकर अच्छा लगा। अब चलते हैं आगे और यहाँ पे आप कराते हैं दर्शन। सो भाई हम लोग ने यहाँ पे हनुमान जी के ले लिए हैं पूरे दर्शन, और पीछे हरी भाई बैठे हैं। और थोड़ा सा एक कॉल आ गया था उनको, इमरजेंसी थोड़ी पड़ गई, तो हम लोग थोड़ा सा ब्लॉग थोड़ा सा मिस हो जाएगा मेरे ख्याल से, यहाँ तक मिस नहीं करने देंगे। तो हरी भाई यहाँ पे यार काफ़ी गर्म लग रहा है नीचे, बहुत ज़्यादा फर्श गर्म है भाई, पैर नहीं रुक रहे किसी के, क्योंकि यहाँ पर कोई बंदा 5 मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकता भाई, पैर देखना अभी। वो देखो भाई पैर कब कब आ रहा है भाई, नहीं खड़ा हो सकते मैं। और यहाँ पे अब हरी भाई क्या करना भाई? अब भाई जैसे गर्मी वाले गाने में फीलिंग आती है गर्मी, वैसे ही फीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा गर्म है ये। और ये ऐसा होता है कि जब यहाँ पे सामने साइड सूरज उधर के लिए होता है तो ये सामने धूप पड़ती है, इसके कारण ये बहुत ज़्यादा फर्श जो है यहाँ की गर्म हो जाती है। और जैसे जैसे नाइट होगी वैसे वैसे यहाँ का टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, तो ठंडी हो जाएगी अपने यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, और सामने व्यू अभी आपको दिखाएंगे कृष्णा भाई, सामने का व्यू अभी आपको मिलेगा। और भाई आपको दिखाते हैं पूरा व्यू और फिर चलते हैं नीचे, आपको दर्शन कराते हैं। भाई जो आप लोग सामने देख रहे हो वहाँ पे हम लोग व्यू अंदर मोबाइल ले जाना मना, इसलिए कहा वहाँ का व्यू नहीं ले पाए हम लोग, बाकी आप लोग बाहर से देख सकते, काफ़ी अच्छा बना हुआ अंदर। और चलते हम लोग शूज़ पहनते हैं फिर निकलते हैं बाहर। देख शूज़ कहाँ हैं? वो है मेरे तो वो है। सो आपको दिखाते हैं यहाँ पे कुछ बैठने के लिए प्लेस बनी हुई है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग फोटो शूट कराते हैं। बाकी यहाँ पे तो बैठे हैं आप देख सकते हो पीछे कि यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है, और पूरा व्यू कराते हैं इधर अभी आपको। और यहाँ पे देख सकते हो पीछे एक खड़े होने के लिए दे रखा है, काफ़ी अच्छी चीज़ है।